वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में एक और मतलब खास चीज़ जिसके बारे में खास चीज़ जो होता है ना, हम गाइस देखिए मैं क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को, जितना भी खास वगैरह चीज़ है जो भी मेरे एरिया में फेमस है मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ आपके बीच। और आप लोग का प्यार देखने को मिल रहा है अच्छे से, आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसे प्यार बनाए रखे भाई, तभी मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा। तो चलिए क्या बोलते हैं पब्लिक, अभी लेके चलते हैं आपको एक स्टेशन, उस स्टेशन के बारे में वहाँ पे जाके बताएंगे आपको क्या स्टेशन आपको क्यों लिखा है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है। तो प्रेरियास के ब्लॉग में चलते हैं स्टेशन। तो गाइज आ गए हैं फाइनली उसी जगह पे जिसका नाम जिक्र किए थे भी आने से पहले, स्टेशन होगा वो रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन पड़ता है, इसका लोकेशन है नावाड़ी, ठीक है, इसका नाम ही नावाड़ी स्टेशन। और ये हम लोग के एरिया का, ये हमारे घर से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोग का एरिया का एकमात्र स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन एकमात्र स्टेशन है। चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको खास बात और दिखाते हैं स्टेशन पूरा। और गाइस अभी आ गए हम स्टेशन के अंदर और अभी खड़ा है हम टिकट घर के बाहर, टिकट रूम के बाहर, ऊपर लिखा हुआ देखिए टिकट घर उल्टा लिखा हुआ, अभी बैक कैमरा से जब दिखाएंगे आपको तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं स्टेशन पूरा और ये स्टेशन की बातें बताते हैं आपको किस लिए का है यहाँ पे आपको। तो बने रहे ब्लॉग में, बैक कैमरा ऑन करता हूँ मैं अपना। ये देखिएगा ये है टिकट घर, फर्स्ट काउंटर सेकंड काउंटर, दिस इज फॉर अ लेडी एंड दिस इज फॉर अ जेंट्स। और ये रहा पूरा किराया तालिका, देखिए कोडरमा का 30, कोडरमा टाउन का 30। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, ये जो स्टेशन है ये कोडरमा जंक्शन टू कोवार वहाँ तक का ये जोड़ा हुआ है। तो ये कोवार कोडरमा, कोडरमा कोवार मेसपुर नवलसाही लास्ट मधुपुर, देखिए कोवार से आगे शायद वो बढ़ा दिया गया है 4 स्टेशन, देखिए मधुपुर तक। समय सारणी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और जो ट्रेन चलती है उसका नाम है कोडरमा से महेशमुंडा, महेशमुंडा से कोडरमा, ये देखिए कोडरमा से मधुपुर, मधुपुर से कोडरमा, शाम में ये सुबह में ट्रेन ये है और ये ट्रेन है। ये देखिए गाइस ये टिकट रूम ही है, ये देखिए पैनल रूम, अभियंता कक्ष और ये आरपीएफ रूम, एक और रूम है आगे।
घर ही इधर है। तो गाइस इस स्टेशन की खास बात ये है कि ये जो स्टेशन है वो हम लोग के एरिया का एक एकमात्र स्टेशन है, और वो भी एक ऐसा स्टेशन है जो एक जंक्शन पे को जोड़ता है। सोचिए ये नावाड़ी है अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, जिसके बारे में बताने आया हूँ, ये जोड़ता है कोडरमा जंक्शन, मतलब जो ट्रेन यहाँ से चलती है ये चलती है वो कोडरमा जंक्शन लास्ट है, वहाँ से वहीं से खुलती है और वहीं उससे वहीं पर रुकती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेशन है एक एकमात्र ऐसा स्टेशन है एकमात्र अभी मेरे एरिया में जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन चलता है जो लोकल ट्रेन है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेस वगैरह नहीं चलता, लोकल ट्रेन है। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, पूरा एरिया पूरा खूबसूरत है, और भी लंबा ये इसका जो भी है पूरा लंबा है स्टेशन, उधर जाके नहीं उधर नहीं जाएंगे अभी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, बने रहें SP ब्लॉग के साथ डेली ब्लॉग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।